three, four. Guys, कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ गाइस। तो गाइस, आज की कुछ जबरदस्त गुड न्यूज में आज लेके आया हूँ। तो चलिए गाइस, आज के बारे में कुछ बताएंगे आप सभी लोगों को। वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो ऐसे ही टेक न्यूज में अभी सभी लोग लेके आऊंगा। चलिए गाइस, जो टेक न्यूज है वो है, ध्यान से सुनिए गाइस। तो आज की पहले टेक न्यूज हम शुरू करते हैं वो है वीआई से लेके। तो गाइस, अगर आप लोगों में से कोई भी वीआई का टीम यूज करते हैं तो फिलहाल के लिए आप एयरटेल या फिर जियो पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि अभी तक वीआई ने अपना 5G स्टेशन कहीं पर भी नहीं लगा है और उसका जो 4G स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप होता है इसके कारण। तो गाइस, अगर जल्दी से जल्दी अगर आप 5G पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो एयरटेल और जियो पे जल्दी से चले जाइए, क्योंकि स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि और गाइस, ऑलरेडी देखा जाए तो एयरटेल विशाखापट्टनम ने वहां पे भी वो लोग 5G स्टेशन ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर चुके हैं। तो देखा जाए वीआई को छोड़ के एयरटेल जियो पे शिफ्ट हो जा सकते हैं। और गाइस, और एक दूसरी टेक न्यूज हम लेके आए हैं। तो गाइस, अगर आप एक न्यू फोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो पोको अपना एक 5 सीरीज का एक फोन लॉन्च करने वाला है, वो भी जनवरी के मंथ में। और कुछ लीक्स निकल के आए हैं जो पोको फोन, पोको जो X5 होगा वो रेडमी 12 का ही एक रिब्रांड होके आएगा इंडिया में। तो पोको X के नाम से लॉन्च होगा, और जो Xiaomi का जो 12 सीरीज का फोन है वो फिलहाल चाइना में लॉन्च हो चुका है, हमें देखने को मिलेगा जनवरी को इंडिया में देखने को मिलेगा। जनवरी के मिड रेंज में जाके हमें पोको X सीरीज का जो X5 लॉन्च होने वाला है वो भी MI की 12 सीरीज में से कोई एक रिब्रांड होके हमें देखने को मिलेगा। और ये जो पोको X5 आएगा 67 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा, उसकी जो प्रोसेसर होगा वो है 782 समथिंग, ऐसा कोई प्रोसेसर में देखने को मिलेगा। 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ भी आ सकते हैं, वो थोड़ा सा मिड रेंज का फोन है। गाइस, आप जो टेक न्यूज की तरफ हम आते हैं तो देखा जाए तो Redmi भी अपनी 12 सीरीज के साथ अपना 12 भी लॉन्च करने वाला है। तो देखा जाए तो 5th Gen को वो अपने 12 सीरीज का 12 प्रो या फिर 12 प्रो प्लस जो लॉन्च करने वाला है उसके साथ वो हमें 12 भी लॉन्च करेगा, 12 5G। और ये जो 12 जो 5G वो लॉन्च करने वाला है वो भी जनवरी को हमें 5th January को देखने को मिलेगा। और इसके साथ हमें 5G के जो उसके जो लीक हमें देखने को मिला है उसमें होगा 4Gen का चिपसेट, जो 4Gen जो 4th जनरेशन का जितने भी चिपसेट है उनमें हमें 4Gen प्लस 1 देखने को मिलेगा उस चिपसेट के अराउंड। हे गाइस, तो अब हम आते हैं WTF की तरफ। तो गाइस, जो WTF की जो लीक हमें देखने को मिलेगा तो ध्यान से गाइस देखना इसको। तो गाइस, जो WTF है अपने Redmi की तरफ से आता है। तो गाइस, जो Redmi की अपने K सीरीज में एक न्यू सेगमेंट का फोन लॉन्च करने वाला है। तो जो K सीरीज का हमें देखने को मिला था K50i जो हमें लास्ट देखने को मिला था, अब वो जनवरी से लेके अप टू मार्च के अंदर Redmi अपना न्यू K सीरीज का फोन लॉन्च करने वाला है, वो भी K60 के तरफ। और ये जो K सीरीज का जो फोन होने वाला है उसमें K60, K60 Pro और K60e एक फोन आने वाला है, तीन फोन होगा K60 के। और इसमें जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा जो K60 जो K60 Pro है उनमें हमें 8 Gen 2 देखने को मिलेगा, अभी तक इतना ही है गाइस। और जो K60e है वो एक मिड रेंज बजट का 5G सेगमेंट का एक फोन होने वाला है। ऐसा कुछ खत्म करते हैं, और जाते हुए लाइक कमेंट जरूर करते हुए जाना और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि पिछले देखा जाए तो सब्सक्राइब थोड़ा सा डाउन हो गया है हमारा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं अभी सभी लोगों के लिए क्या आऊंगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही।